नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिजनेस की बात प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ वंदा शर्मा। कोरोना संकट की वजह से एमएसएमई यानी लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग अपने अस्तित्व को बचाने के संकट से जूझ रहे हैं। उनकी आमदनी घटकर करीब 20% तक पहुंच गई है। आपको बता दें कि रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की एक स्टडी के मुताबिक कोरोना संकट की वजह से इस वित्त वर्ष में ज्यादातर एमएसएमई की आय में बड़ी गिरावट की आशंका है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से पूरे देश में करीब 75 दिन का उत्पादन ठप रहा और सप्लाई चेन भी बाधित रही। इन हालात में ऐसे एमएसएमई पर सबसे बुरा असर पड़ा है, जो लोगों के लिए गैर जरूरी सामान के उत्पादन, निर्माण और निर्यात आधारित कारोबार में है। हालांकि सरकार ने कोरोना संकट से देश के लोगों और कारोबार को राहत देने के लिए करीब 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है, और इसी के तहत सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को 3 लाख करोड़ रुपए का लोन देने का भी ऐलान किया है। लेकिन क्रिसिल की स्टडी में ये बात सामने आई है कि इससे एमएसएमई को बहुत राहत नहीं मिलने वाली। क्रिसिल के मुताबिक सच तो ये है कि सरकारी आश्वासन के बाद इस वित्त वर्ष में एमएसएमई द्वारा लिए जाने वाले लोन में पहले के मुकाबले और गिरावट ही आएगी, यानी सरकार की इस नई योजना का एमएसएमई को खास फायदा नहीं होगा। आपको बता दें कि कोविड-19 की वजह से देश में सभी सेगमेंट की मांग में 80-85% की गिरावट आई है और सभी सेगमेंट में निवेश भी काफी घट गया है। अध्ययन के मुताबिक रियल एस्टेट कोविड-19 से सबसे ज्यादा मार खाने वाले सेक्टर में से एक है। सच तो ये है कि कोरोना से पहले भी इस सेक्टर की हालत काफी खराब चल रही थी, और अब अनिश्चितता और प्रोजेक्ट्स की देरी में आशंका को देखते हुए खरीदार अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में हाथ लगाने वाले नहीं है। इसके अलावा मांग में कमी और अनिश्चितता की वजह से ऑटो डीलर्स को भारी चोट पड़ी है। मार्च में थोड़ी जल्दबाजी में लोगों ने खरीद की थी, जिससे इस सेक्टर की बिक्री में कुछ बहुत बढ़त हुई थी, लेकिन इसके बाद से तो इस सेक्टर की हालत बेहद खराब है। बात की जाए सुधार की तो ज्यादातर जानकारों का मानना है कि इस वित्त वर्ष 2021 की तीसरी तिमाही के बाद कुछ सुधार देखा जा सकता है, जब त्योहारी सीजन में मांग बढ़ेगी। तो दोस्तों, जल्द लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको हर अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ओके क्रेडिट। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का